एक्सरसाइज 2.1 में बहुत सारा क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसमें साइन इनवर्स -1/2, तो इसका सॉल्यूशन, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम सभी जानते हैं कि साइन इनवर्स जब माइनस एक्स रहता है इसका रिजल्ट होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। और हम सभी जानते हैं कि साइन का मान 1/2 जो है पाई बाई 6 पे होता है, तो यही जो रिजल्ट है मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें 2 नंबर पे है, कॉस इनवर्स √3/2। तो हम सभी जानते हैं कि कॉस इनवर्स √3/2 यानी कॉस का मान √3/2 जो है पाई बाई 6 पे होता है, इसलिए पाई बाई 6 जो होगा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कॉसिक इनवर्स 2 दिया हुआ है, तो हम सभी जानते हैं कि कॉसिक इनवर्स 2 का मतलब भी पाई बाई 6 ही होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे सीधे पाई बाई 6। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 4 नंबर में है, टेन इनवर्स √-3a, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि टेन जब निगेटिव में होता है यानी टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो इसका रिजल्ट जो है -10 इनवर्स एक्स होता है, इसको हम लिख देंगे -10 इनवर्स एक्स। और उसी कंसेप्ट से टेन इनवर्स -√3 को क्या करेंगे, ये माइनस तो इसमें बाहर रहता है, लिख देंगे -√10 इनवर्स √3, और 10 का मान जो √3 होता है सो पाई बाई 3 पे होता है, ये जो रिजल्ट है इसमें आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, जैसा कि कॉस इनवर्स -1/2 है, तो हम सभी जानते हैं कि जब कॉस निगेटिव में रहता है उसको पाई माइनस करके लिखते हैं ना, जैसा कि कॉस इनवर्स -x रहता है, इसका थ्योरम है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको जो हम इसी पर सेट करेंगे, ये हो जाएगा मेरा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये पाई माइनस, और कॉस का मान जो 1/2 होता है ये पाई बाई 3 पे होता है, और एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3π-π सॉल्व करके ये हो जाएगा मेरा 2π/3। अब आइए इसमें और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, टेन इनवर्स -1 है, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि टेन इनवर्स -x रहता है, तो इसको -10 इनवर्स एक्स के रूप में लिखा जाता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट ही लिख देंगे टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू -10 इनवर्स 1। और हम सभी जानते हैं कि टेन का मान 1 जो होता है वो पाई बाई 4 पे होता है, यही जो रिजल्ट है सो इसका सॉल्यूशन होगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, sec इनवर्स 2/√3 है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो हम सभी जानते हैं कि इसका भी मान वैसे निकल जाएगा जैसे cos का हम निकालते थे, क्योंकि cos इनवर्स √3/2 का मान जो है वो पाई बाई 6 पे होता है, ठीक उसी प्रकार से sec इनवर्स 2/√3 का मान भी ये पाई बाई 6 में होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे cot इनवर्स √3 है, तो tan का मान 1/√3 जो है पाई बाई 6 पे होता है, तो cot का मान √3 भी पाई बाई 6 में ही होगा, और ये जो रिजल्ट है इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है cos इनवर्स -1/√2। तो हम सभी जानते हैं कि cos cot और sec जब नेगेटिव में रहता है तो उसको पाई माइनस करके लिखा जाता है, थ्योरम ये इस पर cos इनवर्स -x है, लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x, उसी कांसेप्ट से इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, पाई जैसे करते ऐसे, और cos का मान 1/√2 जो है पाई बाई 4 पे होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पाई बाई 4,
और एलसीएम लेंगे बाई में वन रख के, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका फोर आ जाएगा, ये कितना होगा फोर पाई माइनस पाई, सोल्व करने पर इसका रिजल्ट आएगा थ्री पाई बाई फोर। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर इसमें टेन दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होते, इसका रिजल्ट माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। उसी कंसेप्ट से इसको हम लिख सकते हैं ये माइनस कॉसेक इनवर्स रूट अंडर टू, और कॉसेक का मान जो है रूट टू, ये पाई बाई फोर पे होता है, इसलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा पाई बाई फोर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, एक्सरसाइज 2.1 का, और ये सब क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में सब पूछता है, बिहार बोर्ड में खास करके, और ये भी इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछता है, और ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। जैसे कि इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में, करेगी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, करेगी 11 नंबर क्वेश्चन में करेगी इसका सॉल्यूशन निकालिए। जैसे कि क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम सभी जानते हैं इसके सॉल्यूशन में टेन इनवर्स 1 को ये जैसे का तैसे ही रह जाएगा, और कॉस जब निगेटिव में रहता है इसको लिखा जाता है पाई माइनस करके, तो हम लिखेंगे सीधे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 फिर प्लस 1 में साइन इनवर्स माइनस थीटा, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में रहता है, इसमें माइनस को बाहर किया जाता है, इसलिए हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब सॉल्व करेंगे 10 का मान 1 कहां होता है पाई बाई 4 पे, तो लिख देंगे सीधे पाई बाई 4 प्लस ये पाई माइनस कॉस का मान 1/2 कहां होगा पाई बाई 3 पे, तो यहां लिख देंगे हम पाई बाई 3 माइनस, और साइन का मान 1/2 कहां होता है तो पाई बाई 6 पे। अब एक काम करते हैं एलसीएम ले लेंगे, पहले तो पाई बाई 4 ही रहेगा प्लस, इसमें क्या करते हैं इसका अलग एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, यानी ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6, और एलसीएम लेते हैं तीनों का 4 का 3 का और 6 का, एलसीएम आ जाएगा 12 है ना, ये 4 3 जा 12 और 3 इंटू पाई यानी 3 पाई प्लस 3 4 जा 12 4 इंटू 2 पाई आई जाएगा 8 पाई माइनस 6 2 जाए 12 हो जाएगा 2 इंटू पाई यानी हो जाएगा 2 पाई। इसको हम लिख सकते हैं 11 पाई माइनस 2 पाई, इसका मतलब हो जाएगा 9 पाई बाई 12, और 3 से इसको कटाएंगे कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4, और ये जो रिजल्ट है इसमें आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 12 नंबर में, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो उस पर थोड़ा फोकस हम लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 दिया है, देखिए इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो कॉस का मान 1/2 का सिंपल है पाई बाई 3 पे होता है, फिर प्लस साइन का मान 1/2 का होता है तो ये पाई बाई 6 पे होता है, 2 3 जा 6 ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, और पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 दोनों को ऐड करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 नंबर में दिया है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, थर्ड है क्वेश्चन में कि इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन तब क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू यदि वाई के बराबर है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम सभी जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है सो माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2, जब साइन इनवर्स एक्स का रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होगा तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है
सो वाई के बराबर है, तो हम साइन इनवर्स एक्स के बदले हम वाई को रख सकते हैं, इसलिए वाई का जो मान होगा सो माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक होगा, और इसमें जो ऑप्शन है मेरा बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें बी नंबर ऑप्शन मेरा सही है। अगला क्वेश्चन है लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आइए उस क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। 2.1 जो है पर ईयर जो है एक नंबर का क्वेश्चन 2.1 से पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन इस पर। क्वेश्चन नंबर 14, टेन इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 है, तो इसका मान क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं कि टेन इनवर्स रूट 3 तो जैसे का तैसे ही रहेगा माइनस, सेक जब माइनस में रहता है तो इसको हम लिखते हैं पाई माइनस करके, तो सेक इनवर्स माइनस 2 को लिखेंगे हम पाई माइनस सेक इनवर्स 2, यानी टेन इनवर्स रूट 3, टेन का मान जो रूट 3 होता है सो पाई बाई 3 पे होता है, माइनस पाई माइनस, और सेक का मान जो 2 है वो भी पाई बाई 2 पाई बाई 3 पे ही होता है, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 3। अब एलसीएम ले लेंगे, ये पाई बाई 3 माइनस अंदर में पाई 1 रख के एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ब्रैकेट को हटा देते हैं, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। अब एक काम करते हैं, ये दोनों में एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा मेरा 3, ये कितना होगा पाई माइनस 2 पाई, सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा माइनस पाई बाई 3, और इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है, लिख देंगे बी इज द करेक्ट आंसर। और अगला जो एक्सरसाइज है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड है, तो अगले एक्सरसाइज पे हम नेक्स्ट अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान दीजिए।